कांग्रेस अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाती है कि वो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान बदलने के अटकलों के बीच मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं पीएम मोदी ने भी विकास को लेकर कांग्रेस को घेर डाला। तो क्या कुछ कहा दोनों दिग्गजों ने आपको सुनाते हैं। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। पहले के सरकारों में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने पिछले सीजन में 7 लाख मैट्रिक टन प्याज किसानों से खरीदा है। अब फिर सरकार 5 लाख मैट्रिक टन का बफर तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी एनडीए सरकार के प्रयासों की वजह से 10 साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। अभी 10 दिन पहले ही प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया गया। पिछले 10 दिनों में 22,000 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हो चुका है।